आज हम हराम और हलाल की बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हराम और हलाल में भी हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। इंटरनेट फ्री है, मोबाइल जेब में है, तो इंसान अपनी काबिलियत दिखाते हुए हर मामले पर उंगली घुसेड़ने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब चाय पर भी हिंदू मुस्लिम होने लगा। इतना ज्यादा हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब चाय पर भी हिंदू मुस्लिम होने लगा। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक, आज हम हराम और हलाल की बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हराम और हलाल में भी हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। इंटरनेट फ्री है, मोबाइल जेब में है, तो इंसान अपनी काबिलियत दिखाते हुए हर मामले पर उंगली घुसेड़ने की कोशिश करता है और फिर वीडियो वायरल कर देता है। ध्यान से देखिएगा आखिर तक और शेयर भी करिएगा। एक महाशय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन में एक महाशय सफर कर रहे हैं, चेहरा इनका नहीं दिख रहा है, बस ट्रेन के स्टाफ का चेहरा दिख रहा है। ट्रेन स्टाफ की तरफ से उस शख्स को चाय दी जाती है। चाय का पैकेट जैसे ही उनके हाथ में आता है तो वो अपनी काबिलियत दिखाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन के स्टाफ में जो चाय देने आया था उसको रोक कर कहते हैं कि आप ये हमें हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खिला रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, हम अपने घर जाकर पूजा करेंगे और आप हमें हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। रेलवे का कर्मचारी जो चाय लेकर आया था वो समझाने की कोशिश करता है कि भाई दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओगे, चाय तो शाकाहारी ही होती है, चाय मांसाहारी कब से होने लगी। वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन महाशय अपनी काबिलियत दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है तो ये हलाल है, और हलाल जो है वो सावन के महीने में हमारी पूजा को खराब कर देगी, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ये बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन ट्रेन का कर्मचारी उन महाशय को ये कहते हुए वापस चला जाता है कि दुनिया के हर कोने में चाय तो शाकाहारी ही मिलती है। अब आप बताएं, क्या आपने कभी मांसाहारी चाय पी है? वो कहता है कि भैया आगे से ध्यान रखेंगे, चला जाता है। तो आइए ऐसे लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं, जो लोग बेवजह हर काम में पंगा करने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर FSSAI जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो FSSAI सर्टिफाइड होते हैं। आपने हर खाद्य पदार्थ पर पैकेट पर लिखा हुआ देखा होगा FSSAI। इसके अलावा कुछ चीजें हमारे देश के अंदर ऐसी भी हैं जिन चीजों पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है, 100% हलाल सर्टिफाइड। आपके हाथ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आई होंगी, आप दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते होंगे, हल्दीराम्स की नमकीन बहुत सारी बनती हैं, आटा बनता है, चावल बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हलाल सर्टिफाइड जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है। और इन हलाल सर्टिफाइड चीजों को ना केवल मुसलमान खरीदता है बल्कि हमारे देश के बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई बहन भी खरीदते हैं। FSSAI का सर्टिफिकेट जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है, वहीं जो हलाल सर्टिफिकेट है वो हमारे देश के अंदर कुछ कंपनियां हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलमाए महाराष्ट्र, जमियत उलमाए हिंद की एक राज्य इकाई, जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये कुछ कंपनियां हैं, इनकी तरफ से हलाल सर्टिफिकेट कंपनियों को दिया जाता है। अब कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती क्यों हैं, और हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद वो जो 100% हलाल सर्टिफाइड चीज़ें बनाती हैं उसके अंदर किन चीज़ों को डालती हैं, किन चीज़ों को नहीं डालती हैं। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन 24% आबादी मुसलमान है। हमारे देश की भी बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट मुस्लिम देशों में भेजती हैं, तो मुस्लिम देशों में हमारे देश से जो भी प्रोडक्ट जाता है उन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है। हालांकि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हलाल सर्टिफाइड बिकती हैं। हलाल सर्टिफाइड जिन चीज़ों पर लिखा हुआ होता है उस चीज़ के अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं पड़ी होगी जो चीज़ इस्लाम में हराम है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। पहले हम खाने वाली चीज़ों की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में झटके का मांस खाना हराम है। अगर कोई कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें मांस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कंपनी अगर उस प्रोडक्ट को मुस्लिम देशों में बेचना चाहती है या मुसलमानों को बेचना चाहती है तो उस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा होगा। और हलाल सर्टिफिकेट लिखने का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो मांस पड़ा है वो पूरी तरह से हलाल जानवर का है। खाने की कोई भी चीज कंपनी की तरफ से बनाई गई है और उस पर हलाल सर्टिफिकेशन की मोहर लगी है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसी हराम चीज मौजूद नहीं है जो इस्लाम में हराम है। जैसे शराब की बात कर लेते हैं, परफ्यूम होता है उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप हलाल सर्टिफाइड परफ्यूम खरीदेंगे तो उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा।
ऐसे अगर मेकअप के सामान की बात कर लें, लिपस्टिक, परफ्यूम और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुअर की चर्बी को डाला जाता है, बहुत सारे क्रीम है जिसमें जानवर की चर्बी को मिलाया जाता है, तो काफी सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर इस तरह की चीजें बनाती हैं और मुस्लिम देशों में भेजती हैं, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर किसी तरह की जानवर की चर्बी या अल्कोहल जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। सीधे तौर पर अगर समझाऊं तो जो चीजें हलाल सर्टिफाइड होती है उसके अंदर ना तो शराब का इस्तेमाल किया गया होगा, ना ही झटके के गोश्त का इस्तेमाल किया गया होगा, ना ही किसी तरह के खून का इस्तेमाल किया गया होगा, ना ही किसी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया होगा। अगर आम भाषा में कहूं तो प्योर शुद्ध शाकाहारी ये प्रोडक्ट होते हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ होता है। लेकिन कुछ लोगों के सामने जब हराम और हलाल की बात की जाती है तो उनको सीधे तौर पर हिंदू और मुसलमान दिखता है, हराम और हलाल को वो लोग मुसलमान से जोड़ देते हैं, जबकि हराम जो है वो अरबी का शब्द है, हलाल जो है वो अरबी का शब्द है। हराम का मतलब होता है इलीगल, अवैध, नाजायज, हलाल का मतलब होता है वैध, लीगल, जायज। हलाल को हिंदी में कहेंगे तो वैध हो जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे तो लीगल हो जाएगा, अरबी में कहेंगे तो हलाल हो जाएगा। मीनिंग सबका एक ही होता है, लेकिन हराम और हलाल को देखते हुए कुछ लोग हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। अब जो चाय वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाशय कह रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है और आप हमें ये हलाल सर्टिफाइड चीजें खिला रहे हो, शायद उनके दिमाग में ये चीज आई होगी कि हलाल इस पर लिखा है तो इसमें कोई ना कोई मांस का टुकड़ा मिला हुआ है। अमा मियां, चाय कब से मांसाहारी हो गई भाई? हलाल सर्टिफाइड का मतलब ये है कि इस चाय के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं मिली है जिस चीज का इस्तेमाल इस्लाम में हराम बताया गया है। अब सावन का महीना चल रहा है, हमारे हिंदू भाई मांस से दूर रहते हैं, मछली अंडे से दूर रहते हैं, शराब से दूर रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हलाल सर्टिफाइड चीजें उनको दी जा रही हैं। अगर हिंदू भाई भी इस महीने में हलाल सर्टिफाइड चीजें खाएंगे तो वो मांस मछली से भी दूर रहेंगे, शराब से भी दूर रहेंगे, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड चीजों में कोई भी हराम चीज नहीं डाली जाती है। ना मांस का इस्तेमाल किया जाता है, ना चर्बी का इस्तेमाल, ना अल्कोहल का इस्तेमाल, और सावन के महीने में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई इन सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को हलाल और हराम की समझ अच्छे से आ गई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग हराम और हलाल जितना प्रोडक्ट होता है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अब इस वीडियो को शेयर करिए कि जिसको नहीं पता प्रोडक्ट हलाल और हराम के बारे में, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।